वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के वीडियो में हम दो फ्लैगशिप लेवल फ़ोन की बात करने वाले हैं, जो सबसे मोस्ट अवेटेड फ़ोन्स होते हैं ईयर के, आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 15 का। दोनों मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कौन से इसमें नए चेंजेस आए, वर्थ टू अपग्रेड है या नहीं 14 से। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते, पहले हम दोनों का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले हम 15 को ही करते हैं। मेरे पास पहले से सील निकली हुई है, तो मैं खोली ले, तो देख लिया मैंने पहले से ही। तो जो मेरे पास आया है वो ब्लू कलर में आया है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको बॉक्स में फाइनली बहुत टाइम के बाद आपको ये देखने को मिल जाता है, USB-C टू USB-C टाइप केबल, और ये ब्रेडेड केबल है। तो पहले से क्वालिटी भी अच्छी हो चुकी है केबल की, और ब्रेक होने का डर भी कम लगेगा, तो वो भी प्लास्टिक कम कर दिया एप्पल के इनिशिएटिव के हिसाब से। और देखें तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करते हैं। पहले हम 15 प्रो मैक्स भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस इसकी भी मेरे पास सील पहले से ब्रेक हो चुकी है, तो मैं फ़ोन नहीं निकाल लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास जो आया वो नेचुरल टाइटेनियम कलर में आया है, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है अभी, और हैंड में लेने से बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है, हो चुका है पहले से। हाँ, इसमें भी आपको USB टू USB-C टाइप केबल देखने को मिल जाती है फाइनली देखने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप किसी भी चार्जर से आईफोन को भी चार्ज कर सकोगे, और वही कुछ डॉक्यूमेंटेशन और उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम पहले 15 प्रो से ही स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो आप देख सकते हो नेचुरल टाइटेनियम कलर में, टाइटेनियम बॉडी आ चुकी है, लाइट वेट तो डेफिनेटली हो चुका है पहले। सो गाइज, मेरे पास 14 प्रो मैक्स आया था, उसका जो वेट था वो 260 या 250 ग्राम का अराउंड था। हम इसका वेट भी चेक कर लेते हैं, सीरियसली बहुत ही लाइट वेट लग रहा है। इसका वेट करते देख सकते हो आप, 236 ग्राम वेट आया, पहले से 10% लाइट हो चुका है फ़ोन। हैंड में पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका है पहले के मुकाबले। उसका दूसरा रीज़न भी वो है, उसमें आपको फ्लैट एजेस मिल जाते थे बॉक्स टाइप पूरे शार्प, इसमें आपको राउंडेड एजेस देखने को मिल जाते, तो पकड़ने में और कंफर्टेबल हो चुका है। जैसे भी आप डिस्प्ले स्टार्ट करोगे आपको देखने को मिल जाएगा बेजल्स पहले के मुकाबले बहुत ही पतले हो चुके हैं। साइज़ वो की वही है फ़ोन के डिस्प्ले की, लेकिन बेजल्स बहुत ही पतले हो चुके हैं, ना के बराबर ही है वो। लेकिन आप जब वो यूज़ कर रहे हो तो उतना कुछ पता नहीं चलेगा बेजल्स के बारे में। माइनर चेंजेस है उसके बारे में हम बात कर ले, तो कैमरा में चेंजेस है 15 प्रो मैक्स में। इसमें आप अभी 5x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे, और 25x तक आप उसमें ऑप्टिकल जूम कर पाओगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात। इसमें अभी आप 5x तक ऑप्टिकल जूम भी कर पाओगे। और कैमरा में मेजर थोड़े से चेंजेस आए, आप फोकल लेंथ अभी चेंज कर सकते हो। आप 1x में तो डिफरेंट फोकल लेंथ में आप चेंज कर सकते हो, वो अच्छा पहले के मुकाबले वो थोड़ा सा अच्छा है। बाकी तो आपको इसमें वही सब टॉप नॉच कैमरा मिलता है, फोटोज़ इससे बहुत ही अच्छे आएंगे। मैं आपके साथ फ़ोटो सैंपल भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख के बताइए आपको कैसे फ़ोटोज़ लग रहे। इसमें आ चुकी है 17 प्रो बायोनिक चिपसेट, तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा हो चुका है। बेंचमार्क्स में आपको दिखा रहा हूँ पहले के मुकाबले बहुत ही हाई बेंचमार्क्स हो चुके हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा देता हूँ, आप डेली यूज़ कर रहे हो तो आपको 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो से कुछ भी डिफरेंस नहीं लगने वाला, वो सेम ही परफॉर्मेंस दिखेगा। गेमिंग के लिए बहुत इंप्रूवमेंट किया है इसमें एप्पल के इवेंट में, गेमिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की गई थी। इसमें रे ट्रेसिंग भी आ चुका है, तो आप अभी वो जो रे ट्रेसिंग वाली गेम अभी इसमें अवेलेबल नहीं इतनी सारी, लेकिन जब वो फ्यूचर में आएगी तो वो बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे। कंसोल गेमिंग भी इसमें अभी बहुत सारी आने वाली है, तो आप क्या कंसोल गेम इसमें फ़ोन में खेलना प्रीफर करोगे या नहीं मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन ये परफॉर्मेंस के मामले में हाई टू हाई गेम्स जो कंसोल के भी वो भी इसमें हैंडल हो सकती है। गाइस दूसरा जो चेंज है वो एक्शन बटन फाइनली आ चुका है, स्लाइडर निकल चुका है। मेरा उसमें मिक्स ओपिनियंस है, मिक्स फीलिंग्स है एक्शन बटन के बारे में। आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप मेनली ये डिफ़ॉल्ट आपको साइलेंट और रिंग में ही आने वाला है। आप इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखोगे साइलेंट हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करके रखो रिंग में आ जाएगा, और आपको फील हो जाएगा क्योंकि दोनों का वाइब्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जब भी साइलेंट मोड में जाएगा डिफरेंट होगा रिंग में भी, तो प्रीफर आपके ऊपर है, मेरे मिक्स ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप इसमें वो एक ऑप्शन है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद से ही,
आपको वहाँ से शॉर्टकट यूज़ करने है, वॉइस मेमो यूज़ करना है, वहाँ से आप फ्लैश लाइट यूज़ करना चाहते हो, कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और गाइस जो मेजर चेंजेस इसमें आए हैं वो USB-C टाइप आपको फाइनली नीचे आईफोन में भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात लगी। मैंने बहुत अच्छा चार्जर से भी टेस्ट कर लिया, आप मैकबुक के चार्जर से भी इसको ईजिली चार्ज कर पाओगे, अभी आईपैड के चार्जर से भी, एंड्रॉयड का कोई भी आप चार्जर ले सकते हो, कोई भी एडाप्टर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ईजिली फ़ोन चार्ज हो जाने वाला है। USB-C टाइप पोर्ट आ चुका है तो आप बहुत सारी एसेसरीज कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आप SSD कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हो गेमिंग के लिए, तो वो बहुत ही थोड़ा सा एक्सेसरी का थोड़ा वो बढ़ जाता है, वाइड रेंज हो जाता है कनेक्ट करने का। और हाँ, इसमें अभी सपोर्ट वो भी हो चुका है फाइन, इसमें आप प्रो रेज वीडियो ले रहे हो सीधा SSD में आप सेव कर सकते हो, तो वो एक अच्छा फीचर मैं बोलूँगा, क्योंकि आप हाई क्वालिटी वीडियो शूट कर रहे हो तो फ़ोन का स्टोरेज कभी कम हो जाता है, तो वो आप सीधा SSD में सेव कर सकते हो, तो उसे आपका स्टोरेज इसमें सेव नहीं होने वाला, तो वो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पहले की तरह ही आती है, 120Hz AMOLED आपको HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो वो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं लगे। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 2000 नीट्स है, तो वो भी कुछ उसमें खास चेंजेस नहीं है। ऑल ओवरऑल हम इसमें जो भी चेंजेस है उसकी बात करें, इंक्रीमेंटल चेंजेस में बोलूँगी, इतने कुछ बिग चेंजेस नहीं है, लेकिन आप अगर 14 प्रो यूज़ कर रहे हो, 14 प्रो मैक्स, तो आप मैं वर्थ टू अपग्रेड ये नहीं बोलूँगा। हम इसकी प्राइस की बात करें, वो भी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है, इसकी 1,60,000 इसकी प्राइस है, पहले के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। और इसमें जो प्रो मैक्स है उसमें 128GB वाला वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो चुका है, जो मेरे पास भी अभी है वो 256GB वाला वेरिएंट है, तो वही अभी आपको अवेलेबल होगा। ये कुछ था आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम में, ये मुझे कलर पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, लाइट कलर है, सेटल कलर लगता है, तो मैं वो बहुत ही अच्छा है। तो यही कुछ थी 15 प्रो मैक्स की स्टोरी। अभी हम बात करें 15 की, तो गाइज ये मेरे पास ब्लू कलर में बहुत ही सेटल ब्लू कलर है, मीन्स मैं नहीं बोलूँगा ब्लू कलर है, लेकिन बहुत ही लाइट ब्लू कलर है, और आपको मैट फिनिश पूरा बॉडी मिल जाता है। और गाइज इसमें हम ये निकाल लेते हैं पहले, इसमें भी आपको पहले के मुकाबले एजेस जो थी वो कव हो चुकी है थोड़ी साइड से, तो पकड़ने में ये भी कंफर्टेबल हो चुके हैं पहले के मुकाबले। और इसकी भी हम वेट की बात करें तो 14 से 10% इसका भी वेट रिड्यूस हो चुका है 15 का, तो वो डेफिनेटली आप हाथ में कभी भी लोगे तो फील होगा ही, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इसमें चेंजेस मैं बोलूँगा 14 से हुए, लेकिन 14 प्रो जो था वही, इसमें भी अभी गाइज आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाती है 15 में भी। और इसमें भी जो कैमरा सेटअप है वो 48 MP प्लस 12 MP का हो चुका है, तो पहले के मुकाबले इसमें कैमरा सेटअप में बोलूँगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो चुका है, 48 MP का आता है तो अच्छी बात है। और इसमें तो आपको साइड में एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं, और इसमें भी आपको USB-C टाइप चार्जर कनेक्टिंग ही मिल जाता है, तो वो अच्छी बात। इसमें भी डायनामिक आइलैंड है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं है, अभी भी ये 60Hz पे ही चलती है डिस्प्ले, तो वो थोड़ा सा था, कभी 120Hz देना चाहिए था, लेकिन 60Hz ही है। और इसमें ये बायोनिक 16 चिपसेट आती है, तो उसके बारे में हम कुछ बात नहीं करने वाले, वो तो पुरानी चिपसेट ही है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं इसके भी आपको कैमरा सैंपल्स थोड़े से 15 के भी दिखा रहा हूँ, आप बताइए कैसे लग रहे हैं। मैं तो आईफोन के भाई कैमरास बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें कुछ कंप्लेन नहीं, लेकिन आपको स्लाइडर ही मिलता है, इसमें आपको पावर वो एक्शन बटन नहीं मिलता अभी तक, तो मेरे हिसाब से ये अभी मुझे वर्थ टू अपग्रेड 14 से नहीं लगा, लेकिन 12 से बहुत ही ज़्यादा वर्थ टू अपग्रेड रहेगा आपके लिए। और गाइज हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस सेम ही है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं हुआ, इसकी प्राइस 80,000 है बेस वेरिएंट की 15 की। यही कुछ था दोनों का रिव्यू, 15 प्रो मैक्स और 15 का, दोनों में इंक्रीमेंटल अपडेट्स है, उस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ मेरे हिसाब से, दोनों लाइट वेट तो डेफिनेटली है। वैल्यू फॉर अ मनी फ़ोन बोले तो अभी ये वैल्यू फॉर मनी नहीं बोलूँगा मैं, 14 और 13 वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा रहेगी, अभी आप सेल्स भी आएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज, तो उसमें आप 14 और 13 ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही अच्छे फ़ोन्स रहेंगे, वो बेस्ट आउट ऑफ है वैल्यू फॉर मनी भी मैं बोलूँगा वो दोनों फ़ोन को। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मिस मत करना, तो हम और ऐसे वीडियोस लाते रहें।